स्टूडेंट्स नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 9.4। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। मतलब उसकी लेंथ हमें गिवन है और उसका डायगोनल हमें गिवन है, बट हमें उसका क्या फाइंड करना होगा, बेस। सो लेंथ ए, हमने इसको नाम दे दिया ए इक्वल टू 40 हो गया, बी हमें फाइंड करना है, सी इक्वल टू हो गया मेरा 41। सो लेंथ ए इक्वल टू हो गया 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल सी इक्वल टू हो गया 41 सेंटीमीटर, ब्रेथ बी ये हमें फाइंड करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम 9, इसमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जो हमारा डायगोनल होता है वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल के सामने होता है। सो इसका फॉर्मूला होता है हमारा सी स्क्वेयर दैन इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर दैन 41 का होल स्क्वेयर, वैल्यू पुट अप कर दें इनकी, 40 का होल स्क्वेयर, बी हमें निकालना है। तो इन दोनों को 2 टाइम मल्टीप्लाई करा, इसको भी और इसको भी, तो ये आ जाएगा हमारा इतना, और इसको मल्टीप्लाई करने में आ जाएगा हमारा 600 9 प्लस बी स्क्वेयर। अब ये क्या है, इधर पॉजिटिव का है, इसको मैं अगर इधर लेके जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा मेरा नेगेटिव का, तो 20 ये हो जाएगा, दोनों को नेगेटिव करने पे आ जाएगा हमारा 81 देन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 81। अब हमारा क्या है 9 का होल स्क्वायर, ये होता है 9 का होल स्क्वायर, तो 9 की 2 टाइम 9 की पावर 2 और ये भी पावर 2, तो 2 पावर से पावर कैंसिल आउट देन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 9। सो पैरामीटर, अब उसने हमसे पूछा था कि इसका पैरामीटर भी फाइंड करना है, हमने इसकी बेस तो हमने निकाल लिया और उसने बोला था पैरामीटर भी फाइंड करो, तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है हमारा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये है हमारी लेंथ और ये है मेरी ब्रेथ। सो लेंथ है मेरी 40 एंड ब्रेथ मेरी आई 9, मैंने 9 पुट अप कर दिया देन दोनों को प्लस करने कर दिया देन 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना जाएगी मेरी 98 सेंटीमीटर, दिस इज़ अ पैरामीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ए लैडर इज प्लेस्ड अलोंग अ वॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम इट, द लैडर टच अ विंडो इन द वॉल एट अ हाइट इज 12 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अ लैडर। उसने बोला कि एक वॉल है, उसकी हाइट है मेरी 12 मीटर, एक उसके साथ में एक नीचे एक वॉल है अटैच है, उसकी है 5 मीटर, देन उसने बोला कि जो लैडर हमारी वॉल से अटैच है उसकी लैडर की हाइट बताओ कि क्या होगी, कि लैडर की लेंथ कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना है। सो लैडर सी ये हमें फाइंड करना है, वॉल को हमने दे दिया ए इक्वल टू कितना 12 मीटर एंड बेस बी मेरे पास गिवन है 5 मीटर। सो मैंने पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाया, सी स्क्वायर देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और बी की वैल्यू पुट अप कर दी मैंने, 12 का स्क्वायर देन 5 का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर निकालने पर कितना आ जाएगा मेरा 144 प्लस 25 ना सी स्क्वेयर, इन दोनों को प्लस करने पे आ गया हमारा, इन दोनों को प्लस करने पे आ गया हमारा 169 और ये होता है हमारा 13 का स्क्वेयर, 13 टू टाइम मल्टीप्लाई करने पर हमारा यही आता है, तो इसको 13 का स्क्वेयर हो गया, स्क्वेयर स्क्वेयर कैंसिल आउट, ना सी इक्वल टू आ गया हमारा 13, हैंस द हाइट ऑफ द लैडर इज 13 मीटर। देन क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ए 5 मीटर लॉन्ग लैडर व्हेन सेट अगेंस्ट द वॉल ऑफ हाउस रीच टू अ हाइट ऑफ 4.8 मीटर, हाउ फार द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। उसने बोला कि एक 5 मीटर लॉन्ग क्या है लैडर है, व्हेन द सेट अगेंस्ट द हाउस, उसकी हाइट मतलब उसके साथ में अटैच है वॉल वो है 44.8 मीटर, देन उसकी हमारी जो वॉल है नीचे की जो हमारा बेस है ये हमें इसका फाइंड करना है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल लैडर सी इक्वल टू 5 मीटर वॉल 4.8 मीटर एंड बेस हमें फाइंड करना है बाय द पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। पाइथागोरस थ्योरम हम बताते हैं हमारे सी स्क्वायर दैन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैल्यू पुट अप कर दी सी की और ए की, दो 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दी 25, इसको मल्टीप्लाई कर दी ये इतना आ गया देन बी स्क्वायर, अब इसकी जो की वैल्यू हम उधर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव की हो जाएगी, नेगेटिव होने पर यह हो जाएगा बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.96 देन 1.96 1.4 का होल स्क्वायर देन कैंसिल आउट देन बी इक्वल टू हो जाएगा मेरा 1.4, बेस इज 1.4, द फुट ऑफ द लैडर इज 1.4 मीटर अवे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, 2 पोल 8 मीटर एंड 17 मीटर हाइट, हमारे पास दो पोल हैं, एक तो है 8 मीटर का एक 17 मीटर का है, स्टैंड अपराइट इन अ प्ले ग्राउंड, वो क्या है एक सेट करता है वो किसे, एक प्ले ग्राउंड से, ये मेरा प्ले ग्राउंड है, वो दोनों को क्या है यहाँ पे पोल खड़े हुए हैं और उसकी फीट इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 12 मीटर है 12 मीटर ए पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर टॉप, हमें उसकी इस वाली टॉप की डिस्टेंस फाइंड करनी है, हमें ये फाइंड करनी है, इसको हम मान लेते हैं x। सो ए बी एंड
सी और डी आर अ टू पोल. ये मैंने आपको क्वेश्चन में बताया अभी, ए बी और सी डी मेरे टू पोल हैं. तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी मेरी 8 मीटर एंड सी डी क्या है, कितना है मेरी 17 सेंटीमीटर. सी डी मेरी 17 सेंटीमीटर. अगर बी डी मेरी कितनी है 12 है, बी डी 12 है, तो ए ई भी मेरी 12 होगी क्योंकि ये क्या बना रहा है, एक स्क्वेयर बना रहा है. सो ए ई, अब मुझे क्या निकालना है यहाँ से, ए ई. तो ए ई ये क्या हो जाएगा मेरा, ए ई इक्वल बी डी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ए ई जो होगा वो बी डी के इक्वल होगा. तो वो कितना हो जाएगा मेरा 12 मीटर. अब मुझे बताना सी ई, सी ई मतलब कि ये वाला पार्ट, इतना पार्ट मुझे इसका फाइंड करना है. तो ये क्या हो जाएगा, डी ई, डी ई ये 8 है, तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा, ये पूरी ओवरऑल थी मेरी 17 यहाँ से यहाँ तक. तो ये वाला पार्ट है मेरा 8, ये वाला पार्ट अगर 8 है तो 17 में से अगर माइनस 8 करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 9. तो ये हो जाएगा मेरा सी ई, सी ई हमारे पास आ गया, सी ई हो गया मेरा 9 मीटर. सो मेरे पास ये वैल्यू, ये वैल्यू, अब मुझे फाइंड करना है ये वाली वैल्यू. अब मैंने क्या लिया, सी ई को मैंने क्या माना था, ए सी को मैंने माना था एक्स इन आ राइट एंगल ट्रायंगल ए सी ई, ए सी ई मैंने ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल ले लिया बाय पाइथागोरस थ्योरम. हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, सी स्क्वायर दैन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाया पाइथागोरस थ्योरम का. इसमें मैंने जो मेरे पास ए और बी की वैल्यू गिवन थी वो मैंने पुटअप कर दी है. ए की थी 12 एंड बी की थी 9, इनका होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर अपने 144 देन प्लस 81 दोनों को प्लस करने पड़ेगा 225 देन सी स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर देन सी इक्वल टू कैंसिल आउट द स्क्वायर स्क्वायर देन इक्वल टू 15 मीटर डिस्टेंस बिटवीन दियर टॉप इक्वल टू 15 मीटर. देन क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इन द गिवन फिगर फाइंड द लेंथ बी डी. हमारे पास एक फिगर गिवन है, उसने बोला है कि आप बी डी की लेंथ जो है वो फाइंड करो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी. मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया ए डी सी. सो सी स्क्वायर दैन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इससे पहले मैं ये वाली वैल्यू फाइंड कर लूँगी. सो सी कितना मेरे पास 12 स्क्वायर 12, सी है मेरे पास 17 मीटर एंड ए है मेरे पास 15. तो मुझे क्या फाइंड करनी है, बी, बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए डी मीन्स ए डी ये वाली वैल्यू मुझे फाइंड करनी है. तो 17 का स्क्वायर करने पे आ जाएगा मेरा 289 एंड 15 का स्क्वायर करने पे आ जाएगा 225. अब इन दोनों का क्या कर देंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा. माइनस करने पे इसकी वैल्यू आ जाएगी ए डी की वैल्यू, ए डी स्क्वायर दैन इक्वल टू 64 हमने माइनस कर दिया उसको. तो ये हो जाएगा ए 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट दैन 8 ए डी इक्वल टू हो जाएगा मेरा 8 मीटर. नाउ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी, पहले मैंने लिया था ए सी डी, अब मैंने लिया ए डी बी बाय द पाइथागोरस थ्योरम. उसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम को फॉर्मूला लगा दिया, उसमें मेरे पास सी गिवन था, ए मेरा यहाँ से आ गया ए डी. सो वैल्यू पुट अप कर दी, यहाँ से मुझे क्या निकालना है, बी डी निकाल लेंगे हम यहाँ से. देन 100 इक्वल टू 64 होल स्क्वायर करके आ गया, देन बी डी का स्क्वायर, इसको हम इधर लेके चलेगा तो ये नेगेटिव का हो गया. देन बी डी स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा मेरा 36. अब 36 का होल स्क्वायर क्या होगा हमारा 6 स्क्वायर, देन 6 स्क्वायर कैंसिल, देन बी डी इक्वल टू हो जाएगा मेरा 6 मीटर. क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ए ट्री को ब्रोक फ्रॉम अ पॉइंट. ए ट्री जो है वो ब्रोक फ्रॉम अ पॉइंट बट डिड नॉट सेपरेट, वो सेपरेट नहीं है. इफ़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट इज़ द ब्रोक 7 मीटर, उसका जो वो पॉइंट है वो क्या है 7 मीटर अबव द ग्राउंड है एंड इट स्टॉप टच द ग्राउंड, जो इसकी टॉप है वो टच करती है किसको, ग्राउंड को, एट द डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर 8 फुट. फाइंड द आउट ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट्स ब्रोक. मतलब वो अगर जैसे कि हमारे पास क्या है, उसकी हाइट है यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, उसने बोला कि वो ग्राउंड पे कितना करती है, वो 24 सेंटीमीटर ब्रोक करती है. सो हमें उसकी बतानी है कि यहाँ से यहाँ तक अगर वो ब्रोक करता है तो उसकी हाइट हमारी कितनी होगी. सो हाइट ऑफ आर राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू ए बी, ए बी देन नाउ आर राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी मैंने ले लिया बाय द पाइथागोरस थ्योरम, सी स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. मुझे बी सी हमें यहाँ से ये वाली फाइंड हमें करनी है, दोनों वैल्यू हमें गिवन है. सो बी सी इक्वल टू में क्या, ए की वैल्यू हमारी थी 7 एंड बी की थी 24, हमने वैल्यू पुट अप कर दी, होल स्क्वायर कर दिया दोनों का, 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पे, देन दोनों को प्लस करने पे आ गया हमारा 625 एंड बी सी. अब ये क्या 25 का होल स्क्वायर कैंसिल आउट स्क्वायर से स्क्वायर, देन बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 25. हैंस हाइट ऑफ अ ट्री, अब उसने पूछा था कि मुझे टोटल ट्री की हाइट बताओ, तो मेरे पास बी सी तो कितना आया 25 और ये कितना है, ये ब्रोक करा था, तो इसकी यहाँ से अगर ये जैसे कि टूट के गिरता है ये ऐसे, इसकी टोटल हाइट मुझे बतानी है कि इसकी कितनी होगी. सो 7 प्लस 25 देन इक्वल टू 32 हो जाएगा ये.
थैंक यू स्टूडेंट दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं. थैंक यू. दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ 9.4. थैंक यू.